तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप कोरमा। जी हाँ, कोरमे वाली ग्रेवी के साथ सोया चाप का टेस्ट। तो ये बिल्कुल नॉनवेज या उससे कहूँगा बेटर ही लगेगा आपको। एक बार आप बना के ट्राई कीजिए, करके देखिएगा। मुगलई तरीका जो होता है कोरमा बनाने का, हम उसी वे में बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल शुगर एंड बटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है आधी किलो सोया चाप और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि इसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाएं, ऊपर की तरफ जो होती है, और थोड़ा सा स्टिक छोड़ने के लिए जो इसमें नरमाहट चाहिए वो इसमें आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ बॉईल करने के लिए। 2 से 3 मिनट करेंगे दोस्तों ताकि ये स्टिक से अलग हो जाए। मैंने यहाँ पर ये आधी किलो ली थी, ये देखिए बॉईल हो चुकी है, और इसका एक्सेस वाटर निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे करीबन 10-15 मिनट के लिए। मैंने इसी बर्तन में इसको छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर एक पाउडर मसाला बना रहा हूँ जिसके लिए मैंने 10 हरी इलायची और 1 जावित्री का फूल लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। इसको ब्लेंड करके रख लेंगे, आगे ही जरूरत पड़ेगी। अब ये सोया चाप ठंडा हो गया तो इसको स्टिक से अलग कर लेते हैं और इनको छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैंने हर चाप को करीबन 3 पीस में काटा है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इससे इस साइज से दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और देखने में खासकर ये बहुत अच्छी लगेगी सब्जी, बिकॉज ये थोड़ा नॉन वेज का फूड डालती है ये साइजेस इसमें। इनको एक वेसल में अलग रख लेंगे और इनको अब मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफर करता हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और करीबन 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि इसमें अच्छा लहसुन का टेस्ट आ जाए इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, करीबन 8 से 10 काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी है, 4 हरी इलायची है और 6 से 8 लौंग है। इनको हम काट लेंगे, इलायचियों को काट के ही डालते हैं, किसी भी डिश में आप डालते हैं। अब इनको मैं रख लेता हूँ उठा के। अब हम तैयारी करेंगे इसके मैरिनेशन की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप दही, ये घर का दही है, ज़्यादा खट्टी दही हो तो कम लीजिएगा, उसमें पानी मिला लीजिएगा। और इसमें जो खड़े मसाले थे वो डाल देंगे सबसे पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया धनिया पाउडर 2 टीस्पून, साथ में यहाँ पर लिए रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और आधा लिया तीखा वाला रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है दोस्तों यहाँ पर और 1 चम्मच नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे हम लोग। और लगभग करीबन 15 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको चाप में हैंड टू हैंड मिक्स कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप नॉनवेज बनाते हैं मटन कोरमा या चिकन कोरमा, तो सेम वे में उसको मैरिनेट किया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग चाप के साथ वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर तक वो टेस्ट जाए। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच घी के लिए हैं, इसको भी इसके साथ मिला के हम लोग रख देंगे। और करीबन इसे हमें यहाँ पर 1 घंटे के लिए रखना है। कोशिश कीजिएगा 1 घंटा कम से कम रखें, अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन बॉइल कर लिया तो ख़राब नहीं होगा। साथ में मैंने यहाँ पर करीबन 4 बड़ी प्याज ली थी, मीडियम साइज़ की प्याज थी और इसको मैंने चॉप कर लिया था इस तरीके से। इनको हम लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इनको हमें जैसे बिरयानी में डलती है प्याज, सेम वे में हमें इन्हें ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। तो मैं इसको यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून ऑयल लिया है, 4 चम्मच तेल में मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ऑयल ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी नुकसान करता है हम लोगों को पता है। मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल में इसको फ्राई कर रहा हूँ। इसको हाई फ्लेम पे कीजिएगा, नॉन स्टिक पैन में कोशिश कीजिए मत कीजिएगा। आप एल्युमिनियम की कोई कढ़ाई या कुछ स्टील का ले सकते हैं ताकि जल्दी होगा। और इस तरीके से तेल को निचोड़ के हम लोग प्याज को एक टिश्यू पेपर पे बाहर निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जितना भी है वो टिश्यू पेपर सोप कर ले। और आप देख सकते हैं करीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें तब भी बच गया है। इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग कर लिया है ताकि ऑयल जितना भी है वो टिश्यू पेपर सोप कर ले। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर करीबन 20 मखाने लिए हैं, ये एक सीक्रेट है जिससे दानेदार ग्रेवी बनती है। और करीबन 2 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, सूखा गोला घर में हो तो उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे दोनों को, करीबन 1 से 2 मिनट तो मखाने लेंगे और 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड आपका गोले का पाउडर लेगा।
ये देखिए टूट रहा है, क्रिस्पी हो गया, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है। इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं गोले का पाउडर। दोस्तों इसको चलाते रहना है, लो फ्लेम पे करना है, तवा पहले ही गर्म है हमारा, तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, जल जाता है। तो 10-12 सेकंड के अंदर इसको हटा दीजिएगा और इसको मखाने वाले बाउल में ही डाल दीजिए। ये देखिए मैंने एक ही बाउल में डाल दिया है। अब इनको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ये रफली ग्राइंड किया है इसको, तो आप देख सकते हैं दरदरा पिस गया है ये। अब इसमें हम लोग प्याज को डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम लोग एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब मैं इसको भी ग्राइंड कर लेता हूँ। तो ये लीजिए, ये बन गया हमारा अनियन पेस्ट। इसको रख लेते हैं साइड में। तो दोस्तों एक घंटा हो चुका है, अब हम लोग कढ़ाई गरम करते हैं और उसमें सोया चाप को ऐड करते हैं। ये देखिए ये मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह, जितना इसको कलर पकड़ना था कलर आ गया इसमें। अब इसको इसमें डालते हैं और इसको लगातार चलाएंगे हम लोग, बिकॉज इसमें दही है, दही फट सकती है। तो हम लोगों ने अभी लो फ्लेम ही किया हुआ है, लो टू मीडियम, और इसको लगातार चलाते हुए इसको एक बॉइल देना है। ये बॉइल आ चुका है। अब हम लोग दोस्तों इसको करीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर, ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए और ये थोड़ा सा पक जाए। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छा कलर आ गया इसका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक सीक्रेट है ये कि जो चाप्स हैं उसमें आप हल्के हल्के कट मार दीजिए, ताकि इसका ग्रेवी का जो मसाला है, जो टेस्ट है, वो अंदर तक चला जाए और अच्छी तरह पक भी जाए। बिकॉज अभी हमने पकाया इसे 10 मिनट है, करीबन हम लोग 20 से 25 मिनट और पकाएंगे इसे। तो इस तरह आप कट लगा सकते हैं इसमें। आप चाहें तो शुरू में भी कट लगा सकते हैं, बट शुरू में ये होता है कि जब हम लोग मैरिनेट करते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। अब मैं यहाँ पर अनियन पेस्ट को ऐड कर दूंगा और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो 10 मिनट पकाना है आपको पहले, तो उसमें कोई ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हमने, जो मैरिनेशन में था वो सारा यूज़ करके उसको 10 मिनट पकाया है। उसके बाद हमने इसमें पेस्ट डाल दिया, साथ में मैंने जो पाउडर पेस्ट शुरू में बनाया था इलायची वाला, उसको आधा डाल देंगे, आधा बाद के लिए रख लेंगे। इसको एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं और इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, यही हमें चाहिए था। 2 मिनट मसाला पका के फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अब मैंने इसमें करीबन आधा लीटर पानी डाला है। पानी ज़्यादा इसलिए डाला है बिकॉज अभी हम लोग इसे 20 से 25 मिनट और पकाने वाले हैं, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, जो एक कोरमे की ग्रेवी होती है वो टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो थोड़ा सा मिलाते हैं और इसको कवर करते हैं और करीबन 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। धीमी आँच पर दम लगने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों 20 से 25 मिनट धीरे धीरे दम लगने के बाद ये हमारा सोया चाप कोरमा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल दानेदार ग्रेवी बनी है और खुशबू भी यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नॉनवेज पक रहा है कहीं पर। अब इसमें हम लोग बचा हुआ पाउडर मसाला है वो डाल देंगे और साथ में एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है 2 से 3 केवड़ा वाटर की ड्रॉप्स। ये बिरयानी में भी डलती है, इसमें भी डलती है, इसे आप मिक्स कर लीजिए। तो ये कोरमा हो गया तैयार दोस्तों, आइए अब इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक पीस चेक करके दिखाता हूँ इसमें कि ये सोया चाप कितनी अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जैसे नॉनवेज पक जाता है या आलू एक बॉईल होने के बाद टूट जाता है, उसी तरीके से चाप भी बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह। तो दोस्तों आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा सब लोगों को खाने के बाद। अगर पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो लाइक बटन दबाइए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।